हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल तो आज देखेंगे आप लोगों को ये मॉडल है पोको एम टू मॉडल देख ले देख कर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये मॉडल है पोको एम टू तो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे नो सर्विस प्रॉब्लम है इसमें बिल्कुल नेटवर्क नहीं है जियो का सिम लगा हुआ है यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए नो सर्विस ये चले मैं इसको झूम करके दिखाता हूँ नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहे नो सर्विस ये तो कस्टमर मेरे पास पहली बार इसको लेकर आया मोबाइल आज पहली बार इसको रिपेयरिंग होगा पहले इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था रिपेयरिंग नहीं हुआ था लेकिन फर्स्ट टाइम इसको मोबाइल का ओपन होगा तो कस्टमर बोल रहा था प्रॉब्लम इसको नेटवर्क नहीं आ रहा तो मैंने देखा यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है नो सर्विस प्रॉब्लम है यहाँ पे बिल्कुल जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है तो इसमें जियो का सिम कार्ड लगाने के बाद भी और भी मैं दूसरा सिम कार्ड लगाया था वोडाफोन एयरटेल का लेकिन वो कोई भी सिम कार्ड में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रही बिल्कुल नो सर्विस प्रॉब्लम है तो चलिए मैं इसको आज ये प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे मैं इसको ठीक करो प्रॉब्लम क्या है अंदर में इसको बिल्कुल देखेंगे तो चलिए इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ इसको ओपन करके देखते हो क्या प्रॉब्लम है इसमें क्या है इसको प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क तो क्यों नहीं आ रहा है नो सर्विस प्रॉब्लम है तो चलिए इसको पहले सिम कार्ट को ओपन कर लिया देखिए यहाँ पे जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है जियो का सिम कार्ट है तो चलिए इसको बैक पैनल को ओपन करके मोबाइल को फुल लेकर डिसेबल कर लेता हूँ इसको पहले ओपन करने के बाद फिर देखता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही तो है तो चलिए देखते रहिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो कम्प्लीट था आप लोग जान पाएंगे और पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए नया नया रिपेयरिंग के टिप्स एनी टाइम आप लोगों को देते रहूँगा मिलते भी रहेंगे आप लोगों को तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए मोबाइल के बारे में रिपेयरिंग का एनी टाइम टिप्स आप लोगों को मिलते रहेंगे मेरे चैनल में मोबाइल आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जो चैनल है मेरा तो चलिए मैं इसको बैक पैनल ओपन करने के बाद प्लास्टिक का जो कवर था वो भी ओपन कर लिया बिल्कुल मोबाइल मदरबोर्ड को बाहर निकलना होगा बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो नेटवर्क सेक्शन है वहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के बिल्कुल वहाँ पे देखते हो क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे तो चलिए इसको प्रॉब्लम तो नो सर्विस है नेटवर्क नहीं आ रहा तो है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैमरा इतना सारे है यहाँ पर चार चार तो कैमरा है इसको ऊपर तो फुल्ली सब कुछ खोल के कम्प्लीटली इसको ओपन करके उसके बाद काम करना होगा क्योंकि अगर थोड़ा सा आप ब्लॉट से हीट मार के काम कर रहे हैं तो अगर इधर उधर हो जाएगा तो कैमरा ख़राब भी हो सकता है तो फुल्ली जब चलिए इसको ओपन कर लो तो मैं कैमरा फैमरा सब कुछ यहाँ पर चार चार टो तो कैमरा है यहाँ पे फ्रंट कैमरा है तो पांच टो कैमरा है यहाँ पे मॉडल देखिए यहाँ पे पोको एम टू तो ये तो पावर आई सी सी पी ओ सबको सेक्शन है यार ये वाला नेटवर्क सेक्शन है तो इसको मैं यहाँ पे काम करेंगे अरे चार चार टो कैमरा यहाँ पे बैक कैमरा है तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ओपन करने के बाद फिर इसको काम करेंगे मैं इसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो चलिए इसको एक एक करके मैं कैमरे को खोल लेता हूँ कैमरा खोलने के बाद यहाँ पे बिल्कुल मैं इसको जो नेटवर्क सेक्शन है टीना का कवर लगा हुआ तो कवर बिल्कुल खुलना होगा उसके बाद देखना होगा वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पे क्या कौन सा आई सी है यहाँ पर नेटवर्क आई सी कौन सा दिया हुआ है तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ अभी तो कैमरा ओपन हो गया मेरे को अभी इसको बिल्कुल नेटवर्क का सेक्शन में जो टीना का कवर लगा हुआ है तो ये बिल्कुल इसको ओपन करना होगा नहीं तो वहाँ पर कौन सा आई सी है क्या, क्या कुछ कम नहीं कर पाएंगे तो चलिए मैं इसको पहले टीना का कवर को ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ अभी बिल्कुल देखता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है तो चलिए देखते रहिए फ्रेंड्स तो टीना का कवर यहाँ पे चले मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इसको आ, उसके बाद कवरिंग को उठा के उसके बाद देखता हूँ अंदर में क्या कौन सा आईसी है यहाँ पे डब्लू टी आर आई दिया है कि नहीं कौन सा क्योंकि मोबाइल पहली बार इसको खोल खुला हुआ और पहले कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ फर्स्ट टाइम इसको ओपनिंग हुआ फर्स्ट टाइम इसको रिपेयरिंग हो रहे तो चले यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा सा इसको पेस्ट दे दिया अभी इसको टीना का कवर को उठाएंगे आराम से हीट मार के इसको कोई प्रॉब्लम नहीं इसको टीना का जो कवरिंग है यहाँ पे बिल्कुल इसको उठाने के बाद फिर देखेंगे अंदर में कौन सा ऐसी है अगर डब्लू टी आ होगा तो डब्लू टी आर डायरेक्टली इसको चेंज कर देंगे डब्लू टी आर चेंज करने के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर डब्लू टी आर नहीं होगा तो अंदर में कौन सा ऐसी है उसको देखना पड़ेगा उसको तो पहले मैं टीना का कवर को ओपन करना पड़ेगा तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ आराम से इसको टीना का कवर को ओपन करने के बाद फिर देखेंगे अंदर में कौन सा है तो ये मॉडल है पोका एम टू बिल्कुल नो सर्विस प्रॉब्लम है इसमें तो बिल्कुल आप लोग पहले भी देखा है तो चलिए इसको काम करो स्टेप बाई स्टेप आप लोग ध्यान से देखिए हाँ टीना का कवर तो ओपन हो गया यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंदर में तो कोई डब्लू टी आर नेटवर्क ऐसे यहाँ पे डब्ल्यू टी आर नहीं है ज़्यादातर मॉडल में जो नेटवर्क का नो सर्विस प्रॉब्लम आता है डब्लू टी आर का आई सी सी होता है डब्ल्यू टी आर चेंज करने के प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व भी हो जाता है एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट तो डब्लू टी आर चेंज करने के बाद भी नेटवर्क नो सर्विस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बिल्कुल यहाँ पर देखिए नेटवर्क का यहाँ पे सेक्शन में डब्लू टी आर आई सी नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए डब्ल्यू टी आर आई सी जब नहीं है तो यहाँ पे जो पी एफ आई सी यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आई सी का मैं थोड़ा सा इसको आराम से इसको हीट मार के यहाँ पे बैठाएंगे उसके बाद देखेंगे नेटवर्क आते कि नहीं नहीं तो ये पी एफ आई सी जो है इसको चेंज करेंगे ठीक है तो चलिए मैं इसको आराम से इसको हीट मार के यहाँ पे देखता हूँ काम सक्सेसफुल होता है कि नहीं यहाँ पर तो डब्लू टी आर नहीं जो डायरेक्ट डब्लू टी आर चेंज करेंगे तो पहले ये आई सी में इसको आराम से हीट मारेंगे उसके बाद काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये पी एफ आई का चेंज करेंगे नेटवर्क सेक्शन में इसको तो चलिए मैं इसको पहले इसको आराम से इसको हीट मार के यहाँ पर आराम से इसको बैठा था हाइट हीट मार दिया यहाँ पर आराम से इसको देखिए इसको थोड़ा सा जैसे बैठा हुआ तो आराम से इसको हीट मार के फिर आराम से इसको और भी बैठाया तो चलिए मैं इसको अभी चेक करेंगे नेटवर्क आता है कि नहीं तो बिल्कुल यहाँ पे चेक करने के बाद देखेंगे अगर नेटवर्क नहीं आया तो ये पी एफ चेंज करना पड़ेगा तो पी एफ आई इसको चेंज करने के लिए तो मेरे पास अभी ये आईसी का नंबर देखना होगा ये पी एफ आई का नंबर ये बिल्कुल मिल जाएगा मार्केट में मिलता भी है इसको चेंज भी हो जाता है तो चले मैं पहले इसको चेक करता हूँ यहाँ पे वो काम होता है कि नहीं नेटवर्क सक्सेसफुल हुआ कि नहीं इसको हिट मार के आराम से इसको तो सेट किया है तो अभी नेटवर्क का जो नो सर्विस प्रॉब्लम था वो बिल्कुल आता है कि नहीं वो बिल्कुल मैं अभी चेक करता हूँ पहले आप लोग देखते रहिए तो नेटवर्क प्रॉब्लम था नो सर्विस बिल्कुल यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं आ रहा तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ अभी देखिए पोको पोको एम मॉडल है ये तो बिल्कुल ये तो मॉडल बहुत अच्छे भी है मोबाइल तो देखिए ऑन हो रहा है थोड़ा सा इसको हाँ फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल यहाँ पे तो ऑन अंट टच नेटवर्क आ गया है हाँ यहाँ पे तो मैं भी ठीक सही देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क आ गया है यहाँ पर बिल्कुल ऑन टच नेटवर्क आ गया देखिए फुल नेटवर्क है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नेटवर्क आ गया है यहाँ यहाँ पर बिल्कुल फुल नेटवर्क भी है इसको प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे आई चेंज करने का नहीं पड़ा ज़रूरत है यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये जियो लिखा हुआ जियो फोर जी बिल्कुल वोल्टेज भी है फुल नेटवर्क भी है तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेटवर्क आ गया तो ये प्रॉब्लम था जो नो सर्विस नो सर्विस प्रॉब्लम तो बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पे तो नो सर्विस का प्रॉब्लम तो एक बार में सॉल्व हो गया यहाँ पे आए से थोड़ा सा हीट मार के आराम से इसको शायद कुछ नीचे का बॉल फॉल कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकता था इसको इसीलिए आराम से इसको जो पी एप आई चाहिए ये बिल्कुल यहाँ पर आराम से इसको और भीट मार के बैठा है तो यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क आ गया तो नेटवर्क तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था नो सर्विस बिल्कुल तो यहाँ पे फुल नेटवर्क आ गया एक बार में यहाँ पर इसको चेंज करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा इसको चेंज हो जाता भी है मार्केट में मिल भी जाता है ये पी एफ आई तो बिल्कुल यहाँ पे तो एक बार में नेटवर्क आ गया फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तो इसको बिल्कुल तो नेटवर्क आ गया लेकिन इसको कॉल करके एक बार देखते हो बिल्कुल यहाँ पे कॉलिंग में काम करते नहीं क्योंकि अभी कहीं कभी बार होता है ना फुल नेटवर्क रहता है लेकिन कॉलिंग नहीं होता है अब लोगों को मालूम होगा शायद यहाँ पर फुल नेटवर्क है कॉल नहीं जा रहे कॉल नहीं आ रहे तो चलिए मैं इसको एक बार डाल करके चेक करता हूँ कॉल यहाँ पर होता है कि नहीं तो चलिए मैं इसको एक बार कस्टमर केयर कॉल करके देखता हूँ यहाँ पर नहीं नहीं इसको तो चलिए मैं इसको कॉल करके देखता हूँ हाँ तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे कॉल एक बार में इसको रिसीव हो गया देखिए फ्रेंड्स तो कॉल हो रहा है तो बिल्कुल नेटवर्क भी सही है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स तो चलिए मैं इसको अभी इसको सेट करेंगे बिल्कुल यहाँ पर सेट करके इसको मोबाइल को बिल्कुल जैसे मैं खोला था टीना का कवरिंग जो खोला था यहाँ पर बिल्कुल इसको सेट करेंगे मोबाइल बिल्कुल जैसे था पूरा सेम टू सेम हो जाएगा जो कैमरा खुला था इसको बिल्कुल कैमरा के सेट करेंगे सेट करके मोबाइल फुल सेट कर लेते तो चलिए इसको तो सेट करके फिर और एक बार ऑन करके देखेंगे इसको तो हेड मार के इसको ऑन तो किया था फिर नेटवर्क आ गया था तो चलिए इसको थोड़ी देर बाद इसको ऑन तो करने के बाद देखता हूँ नेटवर्क तो आता है कि नहीं तो बिल्कुल यहाँ पर सेट करता हूँ उसके बाद देखता हूँ फुल नेटवर्क रहेगा कि नहीं अगर नहीं रहेगा तो बात तो आप लोगों को बोल चुका हो जो नेटवर्क आज चेंज करना पड़ेगा लेकिन फिलहाल अभी तो चेंज करने का नहीं जरूरत नहीं पड़ा है इसको बिल्कुल नेटवर्क आ गया है आराम से इसको तो ये भी कभी कभी हो जाता है ऐसी का बॉल कभी कभी मिसिंग होता है तो उसको थोड़ा सा हिट मारने के बाद कम सक्सेसफुल मिल जाता है तो चलिए मैं इसको बैक पैनल को लगा लिया अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे फिर ऑन करके नेटवर्क आईसी यहाँ पे आता है कि नहीं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए इतना तक शुक्रिया तो फिर मेरा वीडियो एनी टाइम आप लोग देखते रहिए अगर कोई प्रॉब्लम है डाउट है तो मेरे को कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए इसको पोको ऑन हो रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल तो मोबाइल नेटवर्क उस टाइम आ गया था आप लोग देखा भी है लेकिन अभी देखते हैं इसको नेटवर्क फिर भी आता है कि नहीं मोबाइल तो फिर इसको ऑफ करके मोबाइल फुल सेट कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पे बिल्कुल हाँ ऑन हो गया तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल फुल नेटवर्क है यहाँ पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दिक्कत नहीं तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद फुल नेटवर्क है यहाँ पर